हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल डॉग मेडिसिनल केमिस्ट्री। और एक सिंथेसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। ड्रग का नाम है डायफिनिल हाइड्रामाइड। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि डायफिनिल यानी कि टू फिनिल रिंग्स, ठीक है, हाइड्रा यानी कि हाइड्रोजन, अमाइन बोले तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं डायफिनिल, ठीक है, हाइड्रा हाइड्रा प्लस अमाइन या नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर कैसे निकालिए तो अपन को समझ में आ गया सर, लेकिन इसका सिंथेसिस क्या करेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दो फिनिल रिंग के दो फिनिल रिंग और एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। कार्बन की वैलेंसी चार है, इसलिए यहाँ पर दो बॉन्ड, यहाँ पर सी एच टू। ठीक है, इस पर अगर अपन बी आर टू का अटैक करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन ये जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं फ्रीडम, बोले तो फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे, यहाँ पर का हाइड्रोजन, ठीक है, एक रिकल निकल के जाएगा बी आर के साथ, एच बी आर बाहर चला जाएगा और सी एच बी आर यहाँ पर एडजस्ट होगा, यहाँ पर देख सकते सी एच बी आर। इसके बाद में क्या कर जाएगा कि पोटेशियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने को हीट करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर करते वक्त अपने को एक मल्टी ऐड करने के, इसको आप देख सकते हो CH2CH2OH, इसको अपन क्या बोलते हैं इथेनॉल, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसलिए इथेनॉल अमाइन के डेरिवेटिव्स बोले तो इथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये इथेनॉल अमाइन डेरिवेटिव्स और ये मल्टी को आपने क्या किया कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया और इसके बाद आपने को मेन प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे, यह CH CH बी आर हाइड्रोजन, एच बी आर बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, CH2 CH2 नाइट्रोजन और मिथिल के दो ग्रुप। इसको ध्यान में कैसे रख लेंगे, कभी कभी ये ऑक्सीजन ही क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि मेरा जो सरनेम है CHO, इसको मेरे तरीके से मैंने ध्यान में रखा था CHO चौरे, ठीक है, CHO, ठीक है, इसके बाद में दो कार्बन एक और दो, इसके बाद में नाइट्रोजन, फिर दो कार्बन ऐसे, और ये दो फिनिल रिंग के दो फिनिल रिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं, डायफिनिल बोले तो क्या कि टू फिनिल रिंग्स, ठीक है, एक इसको अटैच इस कार्बन पे, ठीक है, इसके बाद में क्या किया कि कार्बन की वैलेंसी चार है CH, ठीक है, इसके बाद में एक और ऑक्सीजन, बोले तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो ऐसा होगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, सी यहाँ पर ओ, फिर सॉरी CH2 CH2 दो कार्बन, नाइट्रोजन और मिथिल के दो, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये जो स्ट्रक्चर है डायफिनिल हाइड्रामाइन, इसका सिंथेसिस आ सकता है। तो ऐसे लिखने का, ये जो डायफिनिल हाइड्रामाइन है ये जोन ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है, ये भी ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।